कि ये जो वायलेंस हो रहा है या लिंचिंग हो रही है या किलिंग है जिसको कहते हैं, ये टारगेटेड किलिंग कह लीजिए, टारगेटेड वायलेंस, इसके पीछे और इसे कंटिन्यूअस इंटेंसिफाई होने के पीछे जो कारण है वो है कल्पेबिलिटी ऑफ द स्टेट जो, और इम्प्यूनिटी कह सकते हैं, देर इज अ कंप्लीट इम्प्यूनिटी विद रिगार्ड टू किलिंग ऑफ द माइनॉरिटीज़। ये हम साफ तौर पर देख सकते हैं। अगर आप केसेज उठा लें पिछले 4 सालों के अंदर, अगर सैकड़ों केसेज हैं, अगर आप ये देखें कि उनका कन्विक्शन रेट क्या है, उस केस को किस तरह फॉलो अप किया गया है, व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ द स्टेट एंड व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम ये देखेंगे कि देर इज अ कंप्लीट फेलियर विद रिगार्ड टू स्टेट मैकेनिज्म एंड ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो हम सब ये डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, इक्वल सिटीजन हमारा नारा है, और इवन मुस्लिम लाइफ मैटर, एंड वो उस इक्वलिटी को कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उस इक्वलिटी के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और ये सवाल सिर्फ एक हिंदुस्तान के मुसलमान का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का सवाल होना चाहिए। और हम सब जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जिनका ये सवाल है कि हम किस तरह से एक लार्जर सॉलिडरिटी क्रिएट कर सके मुल्क में, जहाँ पर हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, अगर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम सब एक साथ आके किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सके और जस्टिस की बात कर सके, इक्वालिटी की बात कर सके, लिबर्टी की बात कर सके। दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इनश्राइंड देयर, इट मस्ट बी अपहेल्ड। तो एक बेसिक सवाल है जिसके लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारा कोई नया कोई डिमांड नहीं है। हम ये कहें आज ये प्रोटेस्ट जो है, हम लोग मुंबई में तकरीबन जो है 20 अलग अलग शहरों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये बातें लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम्स आर इक्वल सिटीजन्स एंड इवन द लाइव्स ऑफ मुस्लिम मैटर। अगर मैं मुसलमान हूँ इस मुल्क में तो मैं मैटर करता हूँ, मैं मुल्क का 20% हूँ, मैं मुल्क में जो है 200 मिलियन यानी तकरीबन 20 करोड़ की आबादी रखने वाला एक कम्युनिटी है, और अगर आप उसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत गलत है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं उन तमाम चीजों को के डिमांड रखता हूँ कि मुसलमानों के जो सिटीजनशिप राइट्स हैं, मुसलमानों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो उनको मिलने चाहिए, ये हम लोगों का डिमांड है। आप देखेंगे कि लगातार जो है लिंचिंग्स हो रही हैं, लगातार जो है एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, उसके अलावा जो है सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं कहीं हम लोगों को लगता है कि जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोगों को ऐसे लगता है कि वो हो रहा है। तो ये जो है इसके खिलाफ कहीं ना कहीं हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, लोगों के बीच जाकर बोलना पड़ेगा, और मुस्लिम्स को भी बोलना पड़ेगा कि मुसलमानों को अपने राइट्स के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आगे आना होगा। आमतौर पर जो है मुस्लिम जो है सिर्फ रिलीजियस इशूज पर बाहर आते हैं, तो हम मुस्लिम कम्युनिटी से डिमांड करना चाहते हैं कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपने जो है सिटीजनशिप राइट्स के लिए भी लोगों को कहीं ना कहीं बाहर आना होगा और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मुसलमानों के साथ साथ हम लोग जो है आज अपनी बातें पूरे मुल्क के सामने रखना चाहते हैं, मुल्क एक डायस्पोरा पे ये रखना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम्स के जो मसाइल हैं उस पर बात क्यों नहीं होती, वही उन इश्यूज पर बात क्यों होती है जो एक राइटिंग फोर्सेज हैं या जो सरकार है जिन नैरेटिव्स को सेट करना चाहती है, सिर्फ उन्हीं पर बात होती हुई दिखाई देती है, तो मुसलमानों के असल मसाइल है उन पर बात क्यों नहीं होती। अगर जो है तिवारी जी पर बात होती है तो मुस्तकीम और नौशाद पर मुल्क में बात क्यों नहीं होती, हम ये बात जो है मुल्क की सेक्युलर पार्टी से भी पूछना चाहते हैं, खास तौर पर उन पार्टी से पूछना चाहते हैं जिनको मुसलमान जो है लगातार वोट करता हुआ आया है। मुसलमानों ने लुक एट द डेटा, देयर आर सर्टेन लाइक फॉर एज अंडर 12 वी आर मोर देन 20% इन जेल, एज कॉन्विक्ट्स वी आर मोर देन 15%। इन मोस्ट केसेस एज आई हैव वर्कड एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो, आई वर्क फॉर द लीगल एड, आई हैव सीन इन मोस्ट केसेस दीज पीपल डोंट इवन हैव मनी फॉर द बेल और डोंट हैव लॉयर्स टू रिप्रेजेंट देम। सो all these are the issues that we are bringing up, these are the issues like NSA in UP, it has been imposed majority on Muslims, all right, majorly on Muslims, so we are trying to work on that, we are bringing people together. As far as lynching is concerned, I was part of the case in Supreme Court, Tehsin Punawala matter, I was the lawyer there, and we got certain guidelines from Supreme Court. On the last hearing, we got Supreme Court to say that give ex gratia compensation to all the victims. It directed the state governments to do that. So we are working on those issues. We are saying that for long we have looked at our left and our right and asked them to speak for us. We have looked at secular parties to speak for us. As of now, everyone is saying that you become invisible. We refuse to be invisible. We are saying that if you are not speaking for us, we'll take matters in our hand and we'll speak. हमें बांटा जा रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है, और हमें लेबल किया जा रहा है, मतलब वी आर नॉट इवन काउंटेड एज इंडियन मुस्लिम्स। इस हद तक नौबत आ चुकी, हालात इस हद तक बदतर हो चुके हैं। इस मौके पे एटलीस्ट हम जैसे पढ़े लिखे अवेयर लोग, अब हम खामोश न रहे
और आवाज उठाएं और ये हम पब्लिक में यू नो हम ये लेकर जाएं कि हमें भी हम भी उतने ही शहरी हैं, हम भी उतने ही इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारा भी इतना ही इख्तियार है, हक है, और हम वो अवेयरनेस लोगों में पैदा करें, ना कि सिर्फ एक वोट बैंक बनकर। It is very important that 50% of the population of Muslims, which comprises women, their voices are heard. One is that. Second is we are as much in this fight for secularism, for equal citizenship, as are our Muslim brothers. So those are two important reasons as to why I am here. And also, like I said when I was talking, the mic has to come to us. Because for the longest time, others are talking about our issues. Dusri baat, we have to work in together, hand in hand. Like has been said, that not everybody is against us. Hame saath mein julkar kaam karna hai. Dalit samudaya ho, Musalman samudaya ho, and others who are with us. But we have to make sure that our voices are heard in the process. We don't lose our voices. See, as I mentioned earlier, if you see, look at the data. देखिए आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज हमारा मुल्क जिस सूरत हाल में जिस दुराहे पे खड़ा है और जहां आज एक फैक्ट की बात यह है कि आज एक इंसान टोपी पहन के चलने में आज इनसिक्योर फील करता है, कुर्ता पहन के चलने में इनसिक्योर फील करता है। खुद मुझे भी कई बार रिक्शा से उतार दिया गया सिर्फ इस बात पर कि मैं मुसलमान हूँ, मैं टोपी पहनता हूँ। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई डिनाई कर रहा है तो वो आंखें बंद कर रहा है रियलिटी के सामने। द क्वेश्चन इज कि आज लेकिन ऐसे सूरत हाल में भी आज अगर कोई भी मुस्लिम इशूज को लेकर, माइनॉरिटी की कोई बात को लेकर सामने आता है तो उसे कम्युनल कह दिया जाता है, उसे कट्टरपंथी कह दिया जाता है। तो हमारी गुजारिश है पूरे मुल्क से कि वो ये न देखे कि ये किसी एक समाज की बात है, बल्कि इस इशू को इस तरह देखे कि एक जिस्म के दूसरे हिस्से को दर्द है तो अगर दूसरा हिस्सा पीड़ित है तो इसमें दूसरे बॉडी और पार्ट्स को, ऑर्गन्स को भी उस सेम पेन को फील करना चाहिए। अदरवाइज अगर इसको नेग्लेक्ट किया, अभी फिलहाल के लिए एक हिस्सा जो है बीमार रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका जहर जिसमें इस तरह से फैलेगा कि पूरी बॉडी को खत्म कर देगा। ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, हमारे पूरे देश में जिस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कास्ट है, उन सबके इशूज हैं। हमें सबके रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए और हमारे अंदर टॉलरेंस का जज्बा जो था और कुछ सालों से मुसलसल इसमें गिरावट आ रही है, हमारी पूरी गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान से कि वो इन तमाम सोचों से ऊपर उठकर, क्योंकि हमारे आवाम ने आज तक इन एजेंडाज को, इन साजिशों को नाकाम किया है और इसी तरह से आइंदा भी तमाम साजिशों को नाकाम करें, तभी जाके हिंदुस्तान एक मजबूत हिंदुस्तान।